सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, जीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया। यार लड़की कहाँ से बताऊँ, जो थी उसकी भी शादी हो गई है, तो क्या ट्राई करूँ, कुछ फेसबुक पे ट्राई करता हूँ, शायद कोई अच्छी सी लड़की मिली जाए। तो यार फेसबुक पे कुछ तो कुछ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। एक तो कुछ भी खोलो, सबसे पहले ऐसों की सूरत दिखती है जो मन ही नहीं करे यार कोई लड़की भी पटानी है। ये भी अच्छी है, ये भी, ये किसी एक को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं, एंड फ्रेंड रिक्वेस्ट, ये भी अच्छी है, ये जानवी कुमारी यार। ये भी फाइनली यार ये देखी वो लड़की जो कि एडजस्ट करती है और सही है यार। एक्टिविटी देखता हूँ कितनी बार आई है यार, ये सही है। और ये लड़की रेगुलर अपडेट भी रही है फेसबुक पे, डैट मीन्स कि अब ये इसे मैं कोई मैसेज भेजता हूँ तो ये रिप्लाई भी जरूर करेगी। इसे मैसेज करता हूँ कोई अच्छा सा और इसको फिर पटाते हैं अपने लिए। यार फ्रेंड रिक्वेस्ट तो ने एक्सेप्ट कर ली, बट उसे अब मुझे मैसेंजर पे कोई ऐसा मैसेज भेजना चाहिए कि वो पढ़ते ही इम्प्रेस हो जाए मेरे से और समझे कि हाँ मैं उसकी केयर करता हूँ, उसे जानना चाहता हूँ। तो यार इसे मैसेंजर पे कौन सा मैसेज भेजूँ मैं, तो कोई मैसेंजर पे कोई अच्छा सा मैसेज भेजता हूँ तभी वो रिस्पॉन्स जरूर करेगी। और यहाँ हाय हाय के बाद जितने ज़्यादा डॉट उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस, तो दो तीन और। बट यार ये तो कुछ ज़्यादा ही सिंपल लग रहा है, अब मुझे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखना चाहिए तभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगी, क्योंकि लड़कियों के मामले में हमेशा ही ऐसा होता है, हाय लिख के भेजूँगा तो बहुत सारे लोग हाय लिख के भेजते होंगे। यार मुझे कुछ और भी लिखना चाहिए, हे ब्यूटी हाउ आर यू, क्या मैं हार्ट बना के भेज दूँ, नहीं चाहता हो जाएगा किस, चाहता हो जाएगा, कौन सा इमोजी परफेक्ट बैठेगा यार, दोनों हाथों से हाय, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम करेगा ये, 100% काम करेगा सेंड मैसेज। बस यार मैसेज एक बार रीड कर लेना तो इम्प्रेस तो हो ही जाएगी 100%। अब तो यार 5 मिनट भी हो गए, अब तो रीड कर लेना चाहिए यार, 10 मिनट हो गए हैं अभी तक रीड नहीं किया है। टीवी पर देखती हूँ कोई प्रोग्राम आ रहा होगा, अब तो टीवी पर भी कुछ अच्छा नहीं आता, क्या करूँ मन भी नहीं लग रहा। एक काम करती हूँ फेसबुक चला के देखती हूँ, बहुत देर हो गई, शायद कोई न्यू पोस्ट किसी ने शेयर किया हो। पता नहीं यार कब तक ऑनलाइन आएगी, इतनी तो देर हो गई है, पता नहीं लड़कियां यार इतनी देर मोबाइल से दूर कैसे रह लेती है। मैं तो कंटिन्यू हर 5 मिनट में अपना मोबाइल चेक करता हूँ कि कोई मैसेज तो नहीं आया, पता नहीं यार लड़कियां कैसे पॉसिबल है कि इतनी दूर रह लेती है। यार इतनी देर हो गई, एक बार चेक करूँ आइए या नहीं आइए। यस आ गई ऑनलाइन, यस। और भाई फाइनली यार ऑनलाइन तो आई, इतनी देर के बाद आई मगर ऑनलाइन तो आई, अब रिप्लाई करेगी, सीन करेगी, यस यस यस, क्योंकि मैं ऑनलाइन दूंगा तो समझेगी और किसी से चैट कर रहा होगा, ऑफलाइन रहना जरूरी है अभी। अरे यस अभी तक ऑनलाइन है, इसका मतलब हल्के हल्के मैसेज सीन कर रही होगी, बहुत सारे लोगों के पहुँच गए होंगे शायद। हाँ पापा आई अभी। बस बस हैं
यार वो तो ऑफलाइन हो गई, शायद मेरा मैसेज उसे अच्छा नहीं लगा, सीन भी नहीं किया शायद, क्योंकि वे तब मैसेज होता है तो मोबाइल स्क्रीन पर आ जाता है। अब ऐसा क्या ट्राई करूं, या कोई दोबारा से मैसेज भेजूं? अभी मैसेज दोबारा से भेजूंगा तो शायद वो सोचे कि उतावला है, ज़्यादा मैसेज कर रहा है, क्या करूं यार। ऐसा वेट करता हूँ थोड़ी देर और, वेट करता हूँ। अबे यार इसकी तो बैटरी डेड है, उसको चार्जिंग पर लगा दे। यार एक तो पूरे 30 मिनट के बाद ऑनलाइन आई और 5 मिनट, इसका मतलब मेरा मैसेज उसे अच्छा नहीं लगा। यार कुछ और ट्राई करूं या अभी और वेट करूं? बहुत देर हो गई है और अभी तक ऑनलाइन नहीं आई है। यार ऐसा क्या ट्राई करूं, समझ भी नहीं आ रहा बिल्कुल भी। यार थोड़ा सा और वेट करूं या मैं कोई और अच्छा हूँ? मुझे तो 100% ऐसी उम्मीद लग रही है उसे मेरा मैसेज अच्छा नहीं लगा है। क्या करूं, दोबारा मैसेज भेजूं या नहीं भेजूं? यार टॉस कर लेता हूं, डिब्बा भी सही है, फ्लिपकार्ट लिख के आता है तो मैसेज करना है, और चश्मा बन के आता है टेक्स्ट मैसेज नहीं करना है। यस फाइनली फ्लिपकार्ट बन के आया, तो इसका मतलब मुझे मैसेज करना है, ऊपर वाला भी मेरे साथ है। जय प्रभु। जब भगवान ही मेरे साथ है तो इस बार तो कोई अच्छा सा मैसेज सेंड करता हूँ जो कि पढ़ के वो 100% इम्प्रेस हो जाए और रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाए। बट मैसेज इस बार कौन सा क्या लिखूँ मैसेज में जो कि वो पढ़े और इम्प्रेस हो जाए। यार ऑनलाइन तो आई है वो, मगर इस बार भी उसने मैसेज सीन नहीं किया मेरा। यार सच में उसे मेरा पहले वाला मैसेज बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, मुझे सेकंड मैसेज बहुत अच्छी तरीके से लिखना पड़ेगा, तभी वो रिप्लाई करेगी, तभी इम्प्रेस होगी और तभी वो आपकी भाभी बनेगी। यार मैसेज में ऐसा क्या लिखूँ जो पढ़े एकदम इम्प्रेस हो जाए, तो जो दिल में आ रहा है ना वही लिखता हूँ। एक्चुअली तुम लिखूं या आप लिखूं समझ में नहीं आ रहा। नहीं आप लिखते हैं, आप मुझे अच्छी लगी हो, और इसके बाद क्या लिखूं? लेकिन आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो मेरे मैसेज को? ये बेस्ट है। अरे वाह, अब तो मेरा मोबाइल फुल चार्ज हो गया। चलो अब फेसबुक ऑन करती हूँ।
चेक करती हूँ कौन है ये। बहुत देर से कोशिश कर रहा है मुझसे बात करने की, बट हो नहीं पा रही। थैंक यू दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी और इसका सेकंड पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। और आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी मुझे बता सकते हैं क्या वो लड़की रिप्लाई दोबारा से करेगी, क्या वो लड़की जो आनंद ने इतने इनोसेंट मैसेज भेजे हैं क्या उसका रिप्लाई करना अच्छा समझेगी या नहीं समझेगी, या वो रिप्लाई करेगी तो सेट हो जाएगी, क्या वो आपकी भाभी बन जाएगी। तो गाइज आप बिल्कुल रेडी लीजिए, बहुत ज्यादा यूनिकनेस आने वाली है स्टोरी में। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और इसके कुछ बीच के छोटे छोटे पार्ट भी आपको जल्दी देखने के लिए मिल जाएंगे इसी चैनल पे।